फ्रेंड्स, वंदना की रसोई में आप सबको स्वागत है। आज हम बनाएंगे नारियल का लड्डू। इसके लिए आइए देखिए हमें क्या क्या चाहिए। ये आधा केजी हमने नारियल का बुरादा लिया है और एक छोटा चम्मच इलायची, आधा केजी खोआ है और ये थोड़ा सा दूध है, डेढ़ केजी ये शक्कर है, रावा, ये शक्कर रावा वाली मिलती है हर जगह जो है, और आप ये शक्कर नहीं लाते तो आप मतलब पीसी शक्कर भी इसमें डाल सकते हैं मिक्सर में पीस के। आइए देखिए गैस हमने अपना ऑन कर दिया है, इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता। थोड़ा देखिए ये हम इसमें थोड़ा सा दूध लिए हैं, इसको डाल देंगे, बस थोड़ा सा ही दूध लिए थे इस गिलास से, आधे गिलास से थोड़ा ज़्यादा था। ये दूध हमारा गर्म हो जाएगा। खोआ तो हमारा घर का ही बना है, लेकिन वो हमारा घर का बना है लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा दो दिन हो गया बना के रखे थे फ्रिज में, तो थोड़ा इसको ताज़ा कर लेंगे तो लड्डू हमारा ज़्यादा दिन तक चलेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा, एक हफ्ते चलेगा जो है। अगर इसको ताज़ा नहीं करेंगे, हम ऐसे ही बना देंगे तो लड्डू जल्दी ख़राब हो जाएगा। गर्म हो गया है, ये देखिए उबलने लगा है। अब हम इसमें अपना खोआ डाल देंगे, बिल्कुल एकदम जल्दी से बन जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता, बहुत ही आसान है, ना कोई भूंजने का झंझट ना कुछ नहीं। देखिए ये दूध हमारा उबलने लगा है, अब हम इसमें अपना खोआ डाल देंगे। इसको थोड़ा दूध में मिक्स कर लेंगे, थोड़ा ताज़ा हो जाए। बहुत ही सिंपल है नारियल का लड्डू, बहुत ही इजी है। आप चाहें तो इसमें कलर भी कोई डाल सकते हैं, बस थोड़ा सा इसको गरम करना है। देखिए खोआ हमारा गरम हो गया है, अब इसमें हम अपनी शक्कर डाल देंगे। गैस अपनी बंद कर देंगे शक्कर डालने के बाद, गैस हमने बंद कर दिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही इजली बहुत ही जल्दी बनने वाला सबसे आसान मिठाई है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। अभी हम अपना इलायची पाउडर भी इसमें डाल देंगे, इससे अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये अपना नारियल का बुरादा भी इसमें डाल देंगे। आप इसको पूजा उजा में प्रसाद के लिए भी बना सकते हैं, फिर आजकल तो गर्मी है, किचन में ज़्यादा टाइम किसको रहने का मन करता है, एकदम जल्दी से बनने वाला। देखिए हम अपना सारा लड्डू इसी तरह से सब मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके फिर अपना जितना छोटा बड़ा मन करे उतना बड़ा छोटा आप लड्डू बना सकते हैं। देखिए
फटाफट, बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी है, जल्दी बनने वाला है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बस 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है। 10 मिनट में आप कम से कम 1.5-2 किलो लड्डू बना लेंगे, बिल्कुल ना तो घी लगता है इसमें, ना तो कुछ नहीं, ना तो भूंजने का मुझे कोई झंझट है। बस इसी तरह से आप सारे लड्डू आप बना सकती हैं, आपका जितना छोटा बड़ा मन करे। ये देखिए दोस्तों, हमारे लड्डू बनके तैयार हो गए हैं और देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। आप लोग भी बनाना और हमें कमेंट करके बताना आपको हमारा लड्डू कैसा लगा। प्लीज़ दोस्तों, आप जो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं किए हैं प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और हमें कमेंट करके बताना आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे आपसे अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।